तो हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सूचना मिली और अपने फटाफट के अंदाज में मैं मुरली वाले हौसला अपना परम कर्तव्य निभाते हुए, कौन सा गांव है सर ये? सुल्तानपुर। तो ये सुल्तानपुर का बॉर्डर है, यहाँ पर एक नाविक लोग हैं, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सूचना मिली है कोई सांप घर में दिखा है, तो परिवार भयभीत है और परिवार तो काफ़ी सीमित है। आइए दिखाते हैं फटाफट, काफ़ी देर हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं इनका यही आशियाना है, घर मकान बहुत अच्छी तरीके से नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है प्यारा सा। दोस्तों जिसने मालिक इस बच्चे को बनाया है, उसी मालिक ने इस पूरे कायनात को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है। देखते हैं कौन सा सांप है। दोस्तों आइए घर के अंदर, लाइट एक्टिव दीजिएगा टॉर्च कोई हो तो। दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था तो बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी गरीब परिवार है, रहने के लिए घर नहीं है, और ये छोटा सा चूल्हा भी है, कभी यहाँ पर भोजन बना करता था। स्थितियाँ इनकी सही नहीं है, तो हम सारी चीज़ों को हटाते हैं, एक एक करके दिखाते हैं आपको। भाई लोग थोड़ा आप लोग हेल्प कीजिएगा। दोस्तों खतरा हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, नज़र घुमा रखिए। ये कहीं भी घुस सकता है। दोस्तों वापस जा रहा है अंदर की तरफ, तो आप देख सकते हैं सर ये काफ़ी पुराना घर है, और पुराने मकान में सांपों का रहना तो अति आवश्यक भी है। थोड़ा ईंट हटाइए तो ये पार्टी हटाइए भैया, उधर से थोड़ा खुदाई करिए। इधर कुछ है ही नहीं, बीच में है छड़ी में, उसे खोदो निकलेगा वो। तो दोस्तों ये लकड़ी का मकान है और ये लकड़ी की बनी हुई दीवार है, यहाँ नीचे में देखा भाई ये है। जान बचा लाखों का। इतना भी तेज नहीं। आराम से तो दोस्तों ये रहा इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो दोस्तों ये है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और इसे हम निकाल लें। चलिए बाहर तरफ फटाफट दिखाते हैं, काफी मेहनत करना पड़ा। आराम आराम से डिब्बा है एक।
तो दोस्तों इसे ही कहते हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, और इसी को नाक कहते हैं, और इसी को फिटार कहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे तो दोस्तों नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद है। और दिखाते हैं आपको दोस्तों, ये शीतला माँ का वृक्ष भी है, नीम का। तो दोस्तों आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर हाथ या पैर हिलाने से क्या फ़ायदा होता है, तो एक चीज़ बताना चाहते हैं, इस वीडियो को देख करके आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। हाथ पैर हिलाने से इसका ध्यान भंग होता है। दोस्तों अक्सर हमें बोरी में पैक करते वक्त काफ़ी डर महसूस होता है, और क्योंकि बोरी के अंदर से भी ये बाइट कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, हम इसे बोरी में पैक कर लिए, प्लास्टिक। तो दोस्तों हम इसे बोरी में पैक कर लिए हैं, और अक्सर ये रात के अंधेरे में ही निकलता है। हम इसको यहीं पर रख दिया है, थोड़ी सी हाथ की धुलाई करते हैं, फिर चलते हैं चाचा जी से मिलते हैं। रुके रहिएगा आप लोग। तो दोस्तों अभी मैंने एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा को रेस्क्यू किया, कैच किया, पैक कर लिया है, और चलते हैं चाचा जी से मिलते हैं। बाकी उसकी स्थिति परिस्थिति से हम रूबरू होंगे, इस क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि महामारी पूरी दुनिया के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। आइए दिखाते हैं। और चाचा जी बताइए कैसे हैं आप, आपकी स्थिति? अच्छा अच्छा, हम पैसा दे रहे थे। अच्छा, आप पैसा नहीं दे पाएंगे? अच्छा, जो भी सांप पकड़ने के लिए आते थे वो पैसा लेते थे? अच्छा, पैसा लेते थे। आपकी यही सब व्यवस्था है? हमारा यही व्यवस्था है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चाचा जी कितने गरीब हैं, इनकी व्यवस्था देख करके तो हमको काफ़ी तरस आ रहा है। हम एक बड़े आदमी तो नहीं, लेकिन चाचा जी की मदद करने का दिल कहता है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं दोस्तों हम जीव जंतुओं को बचाने का पैसा तो नहीं लेते हैं, मोहब्बत से अगर कोई देता है तो ले भी लेते हैं, लेकिन आज हम चाचा जी को देंगे। तो चाचा जी ये है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मात्र 1,000 रुपये है, ये बड़ी चीज़ तो नहीं है एक इंसान के लिए, लेकिन चाचा जी के 2-4 सामें अच्छी गुजर जाएंगी, और इनसे निकला हुआ आशीर्वाद हमारे लिए बहुत काम करेगा। तो ठीक है चाचा जी, आप ही हमारी तरफ से रख लीजिए, ठीक है, और आराम से आप रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमको फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं। दोस्तों आप भी थोड़ा लॉकडाउन का पालन कीजिए और दूरी बना के रखिए। जा रहे हैं चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए, हम चलते हैं, ठीक है, ठीक, आप आराम से। थैंक यू दोस्तों, बाय।